गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से बहुत सारी कुर्ती लेकर आ गई हूँ मैं। ये देखो जरा, ये है करीब हमारी 10 से 11 कुर्ती हैं और ये सभी मीशो से मैंने इनको मंगाया हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि इनकी पोलोथीन कहाँ है, इनके पार्सल वगैरह कहाँ है। हाँ जी, तो आज हम इनको बिना पार्सल सॉरी बिना पोलोथीन वगैरह के इनका रिव्यू करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इन सभी को मैंने यूज किया है, इनको वियर किया है एंड इनको मैंने वॉश करके देखा है। तो वॉश करने के बाद ही हमें कपड़े का पता चलता है कि वो अच्छा निकलता है या फिर बढ़िया निकलता है, किस तरीके का उसका प्रिंट जा रहा है, कपड़ा खराब हो रहा है या नहीं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे कमेंट ये पड़े होते हैं कि वॉश करने के बाद इसका कलर गया, इसका प्रिंट गया, कपड़ा खराब हुआ या नहीं। तो मैंने सोचा कि जो न्यू कुर्ती होती है हमारी, उनका हमें अच्छे से नहीं पता चल पाता है कि कैसी निकलेगी या धुलने के बाद खराब हो जाएंगी। तो न्यू कुर्ती का तो सभी आपको रिव्यू दे ही देंगे, तो मैंने सोचा मैंने इनको यूज किया है तो उसके बाद मैं आपको बता देती कि आपको ये कुर्ती मंगानी चाहिए या नहीं मंगानी चाहिए। मुझे इनका रिव्यू देना था इसलिए। तो मेरे पास इन काफी सारी कुर्तियां हैं, तो मैं सोच रही थी धीरे धीरे आपको सभी का रिव्यू दूंगी, क्योंकि आजकल मीशो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, फ्रॉड भी उस पर चल रहा है बहुत ज्यादा और हम वहीं से शॉपिंग भी करते हैं बहुत ज्यादा। तो क्योंकि थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है, इसी बस यही कारण होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। और मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा मिलता है अकॉर्डिंग टू मीशो। तो गर्मी बहुत ज्यादा है और मैंने फैन नहीं चलाया हुआ क्योंकि इसमें आवाज आएगी। तो हम इन सभी का रिव्यू देने वाले हैं, प्राइस बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी एंड वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर से जरूर करना। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलने वाली है, ऑनलाइन शॉपिंग की भी एंड ब्लॉगिंग भी। तो बहुत सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसलिए बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकन के साथ, ताकि मैं तब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप मेरे सामने सबसे पहले ये वाली आपको दिखाऊंगी मैं। ये कुर्ती है, इसकी लेंथ बहुत अच्छी है एंड इसका जो ये प्रिंट नहीं है, इस पे ओनली कलरफुल कपड़ा है, मतलब बहुत सारे कलर में है ये। एंड ये स्लीव्स कट है, इसमें स्लीव्स नहीं है और इसमें यहाँ पर नेक पर इसके इस तरीके की फ्रिल लगी हुई है। ये वाली जो फ्रिल होती है, इस तरीके की इसमें फ्रिल लगी हुई है। मैंने इसमें एल साइज मंगाया हुआ है और जो इसका कपड़ा है वो क्रेप है। तो इसकी क्रेप इतनी ज्यादा बेकार नहीं है कि हम इसे नहीं पहन सकते और ना ही इसका कपड़ा सी थ्रू है, इसलिए मैंने इसको रख लिया था। और जितना मैं इसको पहनती हूँ, वॉश करती हूँ, ये उतना ज्यादा निखरता जाता है, क्योंकि कॉटन तो एक बार को डल हो जाए धुलने के बाद, लेकिन ये क्रेप है तो धुलने के बाद ना तो इसका कलर फेड हुआ और ना ही इसका कपड़ा खराब हुआ। तो ये कुर्ती मुझे बहुत ही पसंद आई एंड इसकी लेंथ काफी अच्छी है और फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है। इसकी स्टिचिंग वगैरह भी इन्होंने काफी सही की हुई है और इसमें आपको कई बहुत सारे साइज भी वहां पर मिल जाएंगे। और प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस कितना है, तो मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ। इसका प्राइस है ओनली 306 रुपीज एंड इसमें आपको 4 कलर मिलेंगे। इसमें ब्लैक है, येलो है एंड इसमें ग्रे कलर भी है। इसमें 4 कलर आपको मिलते हैं, तो मुझे यही वाला कलर पसंद आया था इसलिए मैंने इसको मंगाया था। वैसे इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, कोई वर्क वगैरह इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये फ्रिल लगी हुई है और जो नीचे का इसका फ्लेयर है, ये वाला फ्लेयर इसका, ये भी इसका बहुत ही बढ़िया है और काफी अच्छा है। आप देख सकते हो बहुत अच्छा फ्लेयर है। मैं इधर साइड में वीडियोस वगैरह इसकी लगा दूंगी एंड इसके प्राइस वगैरह भी मैं आपको दिखा दूंगी। इसका कोड भी, आपको जिस भी कुर्ती का कोड चाहिए होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में कोड दे दूंगी। तो मैं ना आपको बिल्कुल जनरल सा रिव्यू देने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरी वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि किसी को मेरी वीडियो से फायदा हो जाए। तो मुझे जो पसंद आया है मैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर करूंगी, जाहिर सी बात है। तो ये वाली कुर्ती आप 100% मंगा सकते हो अगर आप क्रेप कपड़ा पहनते हो, क्योंकि ये कॉटन नहीं है, क्रेप है और क्रेप में हमें गर्मी तो लगती है थोड़ी सी, तो कोई नहीं, चलो इतना चल जाता है। तो आप इसको मंगा सकते हो, प्राइस के अकॉर्डिंग भी कुर्ती बेस्ट है, फ्लेयर वगैरह, लेंथ वगैरह सब कुछ एकदम बेस्ट है। तो चलिए अपनी सेकंड कुर्ती देखते हैं।
और ये यहाँ पर खड़े होकर मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ये कोई ओरिजिनल लाइट है, ये कोई रिंग लाइट नहीं है या कुछ भी, इसलिए मैं अपनी जो शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ वो यहीं पर खड़े होकर बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए वो ओरिजिनल लाइट नहीं होती है। जो कलर हमारे अच्छे से दिखाई देते हैं, कौन सा कलर कैसा है वो दिखाई देता है ओरिजिनल लाइट में, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि यहीं पर खड़े होकर आप वीडियो बनाओ ताकि ओरिजिनल कलर आपको दिख सके, क्योंकि कलर में ही बहुत ज्यादा मिस्टेक रहती है इस वजह से। नेक्स्ट कुर्ती हमारी ये है, ये एक येलो कुर्ती है, समर के अकॉर्डिंग बेस्ट कुर्ती है ना, तो इसका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट है, बिल्कुल लाइट सा कलर है एंड बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। और इसकी नेक जो है ये आपको इस तरीके की कॉलर वाली इसकी नेक मिलती है, जो छोटे वाली कॉलर होती है वही है एंड इस यहाँ पर आपको बटन मिल जाएंगे और आप देख सकते हो इसके साइड में दो पॉकेट हैं, दोनों साइड पॉकेट है। और ये कुर्ती जो है गोल है, ये नीचे की साइड से गोल है और इसकी ये नीचे की जो फ्लेयर है काफी सही आपको मिलेगी, इसकी स्लीव्स काफी सही हैं और इसका कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है, धुलने के बाद भी इसका कपड़ा एकदम बहुत ही एकदम, मतलब धुलने के बाद तो और ज्यादा इसका कपड़ा अच्छा हो गया, ये नहीं कि इस कपड़ा निकल गया या फिर कलर खराब हो गया, धुलने के बाद इसका कपड़ा और ज्यादा बिल्कुल गुथासा हो गया है, तो धुलने के बाद ये कुर्ती बहुत ही बढ़िया है और इसका कलर बिल्कुल भी नहीं गया है। धुल इसका साइज मंगाया था वो M मंगाया हुआ है, तो आप देख सकते हो इसमें सभी साइज अवेलेबल हैं। एंड इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये है 363। इसमें बस एक क्या प्रॉब्लम है कि कोई कलर नहीं है इसमें, सिर्फ आपको अकेला येलो कलर मिलेगा। तो इन सभी कुर्ती में से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी आने वाली है कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए हमारी थर्ड कुर्ती देखते हैं। थर्ड कुर्ती है हमारी ये वाली, ये हमारी डार्क ब्लू कलर में, इस पर प्रिंट हुआ रखा है, ये स्लीव्स कट है, इसमें कोई स्लीव्स नहीं है, इसमें भी कोई वर्क तो नहीं हो रखा, लेकिन इसकी जो डिजाइन है वो इसको बहुत ही अच्छा सा लुक देती है। इसका कपड़ा है जॉर्जेट है और जो इसके नीचे इनर लगा हुआ है ये कॉटन नहीं है, इसके नीचे इन्होंने कपड़ा भी क्रेप में लगा दिया, जो रेशमी टाइप होता है ना क्रेप, वो वाला लगा दिया। इसमें गर्मी तो लगती है लेकिन इसका फ्लेयर और इसका कलर मुझे इतना बढ़िया लगा, इतना सही लगा, मैं बता रही हूँ कि मैंने इसको रख लिया। और बहुत ही सुंदर सी कुर्ती है, अकॉर्डिंग टू प्राइस पहनने के बाद काफी बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, काफी सॉफ्ट कुर्ती है। तो गर्मियों में जॉर्जेट में गर्मी तो लगती है, कॉटन पहन लो आपको उसमें भी गर्मी लगेगी क्योंकि ये मौसमी गर्मी का होता है, लेकिन फिर भी वो वाली बात होती है ना कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, तो वही बात है कि फैशन के दौर में गर्मी की परवाह ना करें। तो आप ये वाली कुर्ती भी 100% मंगा सकते हो, एकदम बेस्ट कुर्ती है और मैंने इसको धुला भी है, धुलने के बाद भी ये बहुत अच्छी है। मैंने इसका एल साइज मंगाया हुआ है, आपको इसमें एल साइज मिले, बहुत सारे साइज मिल जाएंगे, इसमें कलर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं एंड मैंने इसको 550 का मंगाया था। या आप इसको जो हमारी लेगिंग होती है या फिर जीन्स वगैरह ऐसे भी डाल सकते हो, या इनकी लेंथ इतनी अच्छी होती है आप ओनली शॉर्ट्स भी इनके नीचे डाल लोगे तो भी कोई मतलब कोई खराबी वाली बात नहीं है। तो ये कुर्ती भी हमारी अच्छी है, आप इसको भी पेयर कर सकते हो। तो क्योंकि बाहर आना जाना लगा रहता है तो ये सभी कुर्तियाँ ऐसी होती हैं कि आप इन्हें डेली यूज में भी डाल सकते हो और बाहर आने जाने में मार्केट वगैरह में भी आप इनको इजी से वियर करके जा सकते हो, क्योंकि बाहर हम वही कपड़ा पहन के जाते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल रह सके, इस वजह से। तो नेक्स्ट कुर्ती है हमारी ये ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की कुर्ती है, इसका कपड़ा रियोन है और इसका रियोन कपड़ा बहुत ही बढ़िया वाला है और ये भी हमारी गोल कुर्ती है, मतलब अनारकली टाइप है, इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, इसका घेर बहुत अच्छा है, काफी बड़ा घेर है, आप साइड में इसकी वीडियो देख ही सकते हो। और इसकी नेक भी आपको छोटे कॉलर वाली मिल जाएगी और यहाँ पर नेक पर इसके बटन लगे हुए हैं इस तरीके से एंड इसकी स्लीव्स भी आपको अच्छी खासी स्लीव्स हैं, इसकी देन 3/4 स्लीव्स हैं, तो बहुत ही अच्छी कुर्ती है ये वाली भी, ना इसका कलर फेड हुआ है ना ही इसका कपड़ा खराब निकला है एंड नीचे की साइड में इसमें कट भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये नीचे की साइड में इसमें एक कट भी दिया हुआ है, तो ये कुर्ती भी बहुत अच्छी है, इसका कपड़ा बहुत बढ़िया है, मैंने इसका भी एल साइज ही मंगाया हुआ है। तो मैं ना एल साइज इसलिए मंगाती हूँ, मंगाने के बाद मुझे थोड़ी इसमें सिलाई तो देनी पड़ती है लेकिन मैं मंगाती हूँ एल साइज ही, क्योंकि वो उसमें अच्छे से कंफर्टेबल रहती हूँ। एम साइज मंगाने के बाद क्या होता है कि
जगह नहीं रहती है, और फिर कभी ऐसा हो जाए कि हमें बाई चांस थोड़ा बहुत खोलना पड़ जाए तो वो जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग जगह बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो आप इसलिए अगर आपको एम साइज आता है तो हमेशा एल मंगाया करें, और एल आता है तो हमेशा से एक्सएल मंगाया करें। इसमें आपको चार कलर मिल जाएंगे, पिंक कलर है, रेड है एंड ग्रे है। मेरा ये ब्लैक कलर है और इसका प्राइस है 536। इसमें आपको बहुत सारे साइज भी अवेलेबल हैं, आपको जो भी साइज आता है आप वही साइज मंगा सकते हो। तो ये कुर्ती भी बहुत अच्छी है, आप इसे भी किसी भी तरीके से पहन सकते हो, बाहर कोई छोटा मोटा फंक्शन है आप इसे उसमें भी डाल सकते हो, एकदम बेस्ट कुर्ती है। तो चलिए अब नेक्स्ट कुर्ती देखते हैं। तो ये वाली तो आपने बहुत देखी होगी कुर्ती, क्योंकि ये ना ट्रेंड में थी बहुत ज्यादा। अभी तो नहीं है लेकिन हाँ ये ट्रेंड में थी, क्योंकि मैंने इसको शायद से बहुत दिन पहले मंगाया था। और इसमें भी कुछ नहीं है, बस इसका प्रिंट बहुत अच्छा है एंड कलर हल्का लाइट है इसका, इतना अच्छा नहीं है। लेकिन इसकी स्लीव्स भी आप देख सकते हो, ये स्लीव्स कट है लेकिन यहाँ पर इसकी फ्रिल लगी हुई है, स्लीव्स पर दोनों साइड में सेम फ्रिल लगी हुई है। इसी तरीके से कलर इसका ब्राइट है और नीचे का घेर इसका बहुत ही बढ़िया है, काफी बड़े साइज का इसका घेर है। और जो इसके अंदर इनर लगा हुआ है ये भी क्रेप में ही लगा हुआ है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, कॉटन में नहीं है, लेकिन मैंने इसको रख लिया था क्योंकि मुझे इस तरीके की कुर्तियां बहुत पसंद है। और मैंने इसका भी एम साइज मंगाया हुआ है, इसका मैंने एम मंगाया था, आप देख सकते हो। तो इसका मैंने एम साइज मंगाया था, इसकी लेंथ वगैरह सब कुछ सही है, इसका फिटिंग भी बहुत अच्छा आता है, कपड़ा इसका जॉर्जेट है, और इसमें भी आपको कलर बहुत सारे मिल जाएंगे। प्राइस की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस है 550, लेकिन जो कलर इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ था वो वाला कलर नहीं दिया हमें, क्योंकि यहाँ पर इसका डार्क कलर दिखा रखा है और जो हमारे पास कलर आया था वो थोड़ा लाइट था, तो मैंने इसको फिर भी रख लिया था। और इसमें आपको 5 कलर मिल जाएंगे, साइज इसमें सारे अवेलेबल हैं, आपको जो भी साइज आता है आप वही मंगा सकते हो। तो इनमें से मैं बता रही हूँ, आपको कोई भी कुर्ती पसंद आती है तो मुझसे आप कोड मांग सकते हो कमेंट करके, मैं आपको वहां पर कोड इनका दे दूंगी। तो ये कुर्ती भी हमारी बहुत अच्छी है, आप इसे भी मंगा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है, ये है हमारे पास चिकन की कुर्ती, और इसी के साथ आपको अच्छा खासा इसका इनर भी मिलता है, कॉटन का इनर है, इनर का कपड़ा बहुत अच्छा है, धुलने के बाद बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, एंड शॉर्ट शर्ट्स है मतलब, तो आप देख सकते हो काफी बड़ी लेंथ है इसकी, तो आप इसकी शॉर्ट शर्ट्स है आप चाहो तो पहन सकते हो, अदरवाइज तो आप ब्लैक कलर की ब्रा के साथ इसे ऐसे भी वियर कर सकते हो। तो जो इसका वर्क है, इसका वर्क बहुत अच्छा हो रखा है, ये चिकन करी कुर्ती है, इसका कपड़ा जॉर्जेट में है, और इसकी स्लीव्स पर भी आपको इस तरीके की वर्क मिल जाएगा, और यहाँ पर भी इस तरीके का वर्क हो रखा है। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो पूरी कुर्ती पे ओवरऑल आप देख सकते हो, इसकी पूरी कुर्ती पे वर्क हो रखा है, काफी ज्यादा सी थ्रू तो ये होती है क्योंकि ये जॉर्जेट होता है, इसमें गर्मी लगती है, लेकिन आप इसे भी जैसे बरसात का मौसम होता है फरवरी में और मार्च में, इन टाइम पर आप इनको पहन सकते हो। इसके नीचे अगर आप लेगिंग पहनोगे या फिर ट्राउजर पहनोगे व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का, या फिर आप जींस वियर करते हो, तो बहुत ही सुंदर सा लुक आता है चिकन करी की कुर्तियों से। और मैंने इसका भी एम साइज ही मंगा रखा है, क्योंकि कॉटन तो ऐसा होता है कि धुलने के बाद थोड़ा बहुत सिकुड़ जाता है, लेकिन जॉर्जेट जो होता है वो सेम रहता है, ना तो धुलने के बाद खराब होता है और ना ही इसका कलर वगैरह जाता है जल्दी से। तो इसके जो प्राइस बताती हूँ मैं आपको, इसका प्राइस है 567। तो मैंने इसके भी बहुत सारे कलर हैं, और इसमें आपको ब्लू कलर, पिंक कलर एंड व्हाइट कलर और ग्रे कलर, इसमें बहुत सारे कलर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, काफी ज्यादा मात्रा में इसको पसंद किया गया है और रेटिंग बहुत अच्छी है, 4 स्टार इसको मिले हुए हैं ओनली 567 में। चिकन करी कुर्ती है, सिफोन इन्होंने बोला हुआ है, लेकिन ये सिफोन नहीं है, ये जॉर्जेट है, इन्होंने यहाँ पर सिफोन बोला हुआ है। सिफोन जो होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसे पहनने के बाद बिल्कुल भी हम अनकंफर्टेबल नहीं हो सकते, लेकिन ये कपड़ा जॉर्जेट है, इसे पहनने के बाद हम ज्यादा अच्छे से कंफर्टेबल नहीं रहते हैं क्योंकि इसमें गर्मी लगती है इस वजह से। तो ये तो इनर है, इसके नीचे कॉटन का, आप कॉटन का इनर डालोगे तो फिर भी चल जाएगी। तो ये कुर्ती वैसे बढ़िया है, डेली यूज में आप इसको रख सकते हो, मैंने इसको पहना है, वॉश किया है, बिल्कुल खराब नहीं हुई है, तो आप इस कुर्ती के लिए भी 100% जा सकते हो, बेस्ट कुर्ती है। ओके, तो नेक्स्ट कुर्ती देखते हैं हमारे पास क्या है।
नेक्स्ट कुर्ती हमारी ये है और ये भी ब्लैक कलर में है और इसकी स्लीव्स देखो आप। मैंने ना सही बताऊं तो इस कुर्ती को सिर्फ स्लीव्स के लिए ही ऑर्डर किया था। इसकी स्लीव्स मुझे इतनी पसंद आई बहुत ज्यादा। इसकी स्लीव्स जो है कफ वाली स्लीव्स है और यहाँ पर भी इसके ये वाला डिजाइन इन्होंने बनाया हुआ है। ओवरऑल इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन है और इस पर यहाँ जो एक सामने इन्होंने डिजाइन दिया हुआ है ये वाला पट्टी का, इस पे ये जो स्टोन लगा हुआ है ये मैंने खुद से लगाया है, इन्होंने नहीं दिया था। ये कुर्ती हमारी गोल है, इसकी फ्लेयर बहुत ज्यादा नहीं है, नीचे की फ्लेयर इसकी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी फ्लेयर है एंड इसकी लेंथ भी काफी अच्छी है। लेकिन जो इसका कपड़ा है वो क्रेप में है और क्रेप इसका काफी मोटा है, इसमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो इसकी स्लीव्स की वजह से मैंने इसको रख लिया था। लेकिन अब धुलने के बाद क्या हो रहा है कि इसके ऊपर जो ये ब्लैक कलर के डॉट डॉट लगे हुए हैं, ये कपड़ा है जो सनील का होता है और ये जैसे ही मैं धुलती हूँ तो सब उतर जाता है, बहुत सारे इसके ऊपर से सिर्फ एक बार धुलने से ही उतर चुका है। तो आप, मैं इस कुर्ती के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इस कुर्ती के लिए जा सकते हो क्योंकि ये कुर्ती मुझे उतना बेस्ट नहीं लगी है जितना कि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ था। तो मैंने इसका भी एम साइज ही मंगाया हुआ है क्योंकि इसका जो कपड़ा है वो काफी स्ट्रेचेबल है इस तरीके से, तो जैसे ही हम इसको पहनते हैं अगर आपको एस स्मॉल आता है तो आप स्मॉल ही मंगाइए क्योंकि इसका कपड़ा स्ट्रेचेबल है, आप जैसे ही पहनते हो तो वो खिंचता है और खिंचने वाला कपड़ा शरीर में एकदम से फिट हो जाता है। तो इसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसके लिए जा सकते हो। देखने में बहुत अच्छी लग रही थी और इसके कलर भी वहां पर दो तीन थे लेकिन मैंने इसका ब्लैक कलर ही ऑर्डर किया था, मुझे ब्लैक ज्यादा पसंद आता है शायद से। मेरे पास ब्लैक कलर की कुर्तियां बहुत सारी हो चुकी हैं और इसका प्राइस था 310 रुपीज। तो 310 रुपीज के अकॉर्डिंग तो कुर्ती भी अच्छी है, डिजाइनर है, डेली के लिए आप रखना चाहो तो रख सकते हो। लेकिन मैं अपनी साइड से बोलूं तो क्योंकि इसकी स्लीव्स का सारा प्रिंट उतरने लग रहा है, बस यही है, इसमें कपड़ा इसका बहुत मोटा है, इतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट कुर्ती देखते हैं अपनी, ये भी हमारे पास ब्लैक कलर की ही कुर्ती है और इसका वर्क आप देख सकते हो, इसकी नेक पर बहुत अच्छा वर्क हो रखा है, इसकी स्लीव्स पर बहुत ही बढ़िया सा वर्क हो रखा है। इसकी स्लीव्स आपको इतनी ही मिलती हैं हाफ, और ये भी हमारी अनारकली ही कुर्ती है, नीचे का फ्लेयर इसका बहुत बड़ा है, लेंथ इसकी बहुत ही अच्छी है और इसका रियोन कपड़ा है, इसका कपड़ा इतना बढ़िया है कि धुलने के बाद और ज्यादा गुथासा हो गया इसका कपड़ा, ना तो इसका कलर फेड हुआ ना इसका कपड़ा खराब हुआ। आप इस कुर्ती के लिए 100% जा सकते हो। और जो इसका वर्क हो रखा है ये भी काफी गुथा हुआ वर्क है एंड पिंक कलर का और गोल्डन कलर का इस पर वर्क हो रखा है रेशम के धागों से, आप देख सकते हो। ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद आई और मैं इसको पहनती भी हूँ, मैंने इसको कई बार पहन चुकी और इसका मैंने मंगाया हुआ है एम साइज, तो ये एम साइज मंगाया हुआ है मैंने इसका। और इसकी प्राइस की अगर बात करती हूँ मैं, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, रियोन में है और आपको इसके कलर भी मिल रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें आपको 4 कलर मिल रहे हैं एंड 391 मैंने इसके लिए पे किया था। ये एक अनारकली कुर्ती है जिसका कपड़ा रियोन है, लॉन्ग कुर्ती है, बहुत ही बढ़िया है, आप 100% इसके लिए जा सकते हो। इसका कपड़ा बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, जैसे कि ब्लैक है एंड अनारकली है तो बिल्कुल भी सी थ्रू कपड़ा नहीं है, एकदम बेस्ट कुर्ती है, 100% आप इसके लिए जा सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास नेक्स्ट है ये मेहरून कलर की कुर्ती, इतनी सुंदर कुर्ती और कपड़ा, सबसे बड़ी बात ना कपड़े की होती है, अगर हम कपड़ा जो कपड़ा पहन रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। इसका प्रिंट है, इस पर ये जो प्रिंट हुआ रखा है ना तो इसका प्रिंट उतरा ना ही इसका कपड़ा खराब हुआ, धुलने के बाद इसका कपड़ा बहुत अच्छा हो गया है और बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, मतलब बिल्कुल भी इधर उधर कुछ भी दिखने वाला नहीं है। इसकी स्लीव्स भी आपको इतनी, मतलब 3/4 इसकी भी स्लीव्स हैं और इसकी नेक पर जो वर्क हो रखा है वो कुछ इस तरीके का हो रखा है, यहाँ पर छोटे छोटे आपको बटन मिल जाएंगे और यहाँ पर ये हल्की सी लटकन भी लगी हुई है, तो इसकी आप इस तरीके से देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सी कुर्ती है और मुझे ये कुर्ती इतनी पसंद आई। इसकी स्लीव पर आपको ये लेस लगी हुई मिल जाएगी, आप इसे भी व्हाइट कलर की लेगिंग के ऊपर या फिर जींस के ऊपर इस तरीके से अगर डालोगे, प्लाजो वगैरह के साथ भी डालोगे तो बहुत ही सुंदर आपको ये लगेगी, और पहनने के बाद भी इसका एक अलग ही लुक्स आता है, एकदम फिटिंग आता है इसमें,
क्योंकि इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, धुलने के बाद की बात बता रही हूँ। धुलने से पहले तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन धुलने के बाद जो कपड़ा अच्छा होता है वही बेस्ट रहता है। तो आप इस कुर्ती के लिए 100% जा सकते हो। मुझे ये कुर्ती इतनी पसंद आई कि मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने इसका दूसरा कलर भी मंगाया हुआ है, ब्लैक। तो इसके आपको 3 कलर वहां पर मिल रहे हैं, वहां पर एक पिंक कलर है, मैरून है, और ये ब्लैक है। तो ये कुर्ती मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई कि मैंने इसके 2 कलर मंगाए हुए हैं, एक ये मैरून है और एक ये ब्लैक है, ये आप देख सकते हो। तो इसको अभी मैंने बहुत बार पहन भी लिया है एंड इसको वॉश भी कर लिया है। इसका प्रिंट भी बिल्कुल खराब नहीं हुआ है और इसकी स्लीव सेम ही है, बस कलर चेंज है, वही नेक पर डिजाइन है, सब कुछ सेम है, आप देख सकते हो। और लेंथ भी काफी अच्छी है, बहुत बढ़िया लेंथ दी हुई है, कपड़ा बहुत बढ़िया है। आप इसके इस कुर्ती के लिए 100% जा सकते हो, बहुत ही बढ़िया कुर्ती है। प्राइस की अगर बात करते हैं तो 406 रुपये मैंने इसके लिए पे किया था। इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है रियोन फैब्रिक है, बटन लेरिया है एंड प्रिंटेड है। तो आप इस कुर्ती के लिए भी 100% जा सकते हो, मेरी तरफ से हाँ है, क्योंकि मैंने इसको पहना है, वॉश किया है, बहुत ही बढ़िया एक कुर्ती मुझे लगी है। दैट्स इट, बात खत्म। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कुर्ती जो मैंने पहनी हुई है, ब्लैक कलर की। इसकी नेक पर ये सीक्वेंस वर्क हो रखा है। ये कुर्ती जो है ओवरऑल प्रिंटेड है। इसकी स्लीव्स यहाँ से आप देख सकते हो, पफ वाली स्लीव्स थी, और यहाँ पर इसकी स्लीव्स पर जो लास्टिक होती है रबड़ बारीक वाली, वही लगी हुई थी, लेकिन मैंने उसको उतार दिया क्योंकि उसको पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल सा मुझे लग रहा था। तो मैंने उन स्लीव्स को सॉरी रबड़ को निकाल दिया था, और फुल स्लीव्स थी तो गर्मियों में फुल स्लीव्स नहीं पहनी जाती हैं। तो मैंने इसकी स्लीव्स को थोड़ा कट किया और वो लास्टिक जो इसमें लगी हुई थी बीच बीच में, उनको भी उतार दिया था। तो यहाँ पर पफ अभी भी इसमें बने हुए हैं, कॉटन है इसलिए इतना ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये कुर्ती का कपड़ा बहुत अच्छा है, इसका प्रिंट बिल्कुल नहीं गया है धुलने के बाद, और पहनकर भी ना इसको बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो ये कुर्ती के लिए भी आप 100% जा सकते हो, और विद बॉटम वियर है, सबसे बड़ी बात है। और इसकी बॉटम ये ब्लैक कलर की, इसमें आपको साइड में पॉकेट भी मिल जाएंगे, और यहाँ सामने आपको इसमें इस तरीके की ये डोरी मिल जाएंगी, और लास्टिक है। इस स्टिचिंग वगैरह बहुत अच्छी हो रखी है, ब्लैक कलर मैंने इसका मंगाया था, और यहाँ साइड में से आपको इसके एक कट भी मिल जाता है। तो इसकी लेंथ वगैरह भी बहुत सही है, ऊपर से यहाँ पर भी कपड़ा काफी अच्छा इन्होंने लिया हुआ है, कॉटन है, बहुत अच्छे वाला कॉटन है। और मैं इसके लिए भी आपको 100% बोल सकती हूँ कि मैंने इसको यूज किया है। तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। प्राइस की बात करते हैं तो 440 रुपीज में विद बॉटम वियर, इस तरीके की दिखाई दे रही थी। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ना लास्टिक लगी हुई थी, लेकिन ये वाला लुक नहीं आ रहा था इसका पहनने के बाद, इसीलिए मैंने भी इसको ऑर्डर किया था। तो 440 रुपीज में सिली सिलाई कुर्ती बहुत अच्छी विद बॉटम वियर आपको मिल रही है। तो आप इसके लिए 100% जा सकते हो, और हमने इसको वॉश कर ही लिया है तो हमें पता है कि ये खराब होने वाली तो है नहीं। और मैंने ना इसमें इंस्टा पर कई सारी लेडीज को रील बनाते हुए भी देखा है। ये कुर्ती भी काफी ट्रेंड में थी, मैंने बहुत को देखा है इसको पहने हुए। तो आप इस कुर्ती के लिए भी जा सकते हो, एकदम बेस्ट है ना, तो प्रिंट जाएगा और ना ही कपड़ा खराब होगा। ब्लैक कलर में है, इसके और कोई कलर वहां पर अवेलेबल नहीं है। साइज इसके आपको बहुत सारे वहां पर मिल जाएंगे, मैंने इसका एल साइज मंगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा हॉल यही था, आई होप आपको ये हॉल पसंद आया हो। तो आप सभी को इनमें से कौन सी कुर्ती सबसे ज्यादा पसंद आई आप मुझे जरूर से कमेंट करिए, या फिर आप कौन सी कुर्ती मंगाने वाले हो ये भी मुझे बता सकते हो। और या मैं अपनी वीडियो में कोई मिस्टेक कर रही हूँ या फिर कोई मेरी गलती हो रही है तो मुझे नहीं इतना ज्यादा अभी पता है, तो मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एक बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और मेरी वीडियो वॉच करते रहिए।